तीन दिवसीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता मधुबनी जिला के कलुवाही प्रखंड के राठ गांव में शनिवार को संपन्न हो गया। इस दंगल में नेपाल भारत के 4 दर्जन से अधिक पहलवानों ने अपने दमखम का प्रयोग किया। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बाबा नरेश गिरी, सार्क से रजत पदक विजेता राजा यादव, कांस्य पदक विजेता सागर यादव, रामाशीष यादव सहित 1 दर्जन से ज्यादा पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान भेजेंगे किताब, जिन्ना की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लेकर राजनेताओं को इतिहास की किताब भेजेंगे। जिन नेताओं को भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं उनको भेजा जाएगा किताब, यह वक्तव्य दानिश रिजवान ने आज दिया। अगर आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आप बताएं, हम आपको किताब भेज देते हैं, आप पढ़ लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका थी। समस्तीपुर में राजद के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के नेतृत्व में राजद की 4 सदस्यीय जांच दल रोसड़ा नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में स्थित मृतक सफाई कर्मचारी राम सेवक राम के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का व्यवहार इस सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दलित की हत्या हो जाती है और उसके परिवार से जबरदस्ती कागज पे सिग्नेचर करा लिया जाता है, इलाज के तमाम कागजात को छीन लिया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वे यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जाम वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके जे का मतलब झूठ, ए का मतलब अहंकार और एम का मतलब महंगाई है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में कहा था कि समाजवादी पार्टी के जे का मतलब जिन्ना, ए का मतलब आजम खान और एम का मतलब मुख्तार अंसारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा के 1,47,000 लाभुकों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि देश के सामान्य नागरिक को किसी भी योजना के लिए न तो भटकना पड़े और न ही उसके पैसे किसी बिचौलियों के द्वारा छीना जाए। 15 नवम्बर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस दिन बिहार से झारखंड राज्य अलग बना। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यवासियों को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पंजाब में 2022 के दौरान यूपी के साथ ही विधानसभा चुनाव होगा, इसे लेकर सूबे में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कोरोना काल के दौरान जनसेवा कर देश में नाम कमाने वाले सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर भी चुनाव लड़ेंगे। राजधानी पटना से सटे दानापुर इलाके में एक स्कूल के पीछे घर में बम विस्फोट की घटना हुई है। इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाल दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए त्रिशक्ति महिला समिति ब्लॉक 2 क्षेत्र के द्वारा एक होनहार छात्रा जो हरियाणा के पास की बस्ती की बच्ची है, उन्हें आज सम्मानित किया गया। बाघमारा कॉलेज में इंटर में नामांकन के लिए 4,000 रुपया की सहायता राशि दी गई। लायंस क्लब बाघमारा सेंटिनियल की ओर से डायबिटीज डे के दिन कोषाध्यक्ष लायन लक्ष्मण रवानी के दिशा निर्देशन में निःशुल्क डायबिटीज जांच का आयोजन किया गया। क्रिटिकल और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का पुख्ता ख्याल रखने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। पंचायत चुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कई बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के 4 युवकों की मौत नेपाल के रौतहट जिले में कार दुर्घटना में हो गई। यह घटना शनिवार की देर रात लगभग 10:15 की बताई जा रही है। इस घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। जिले भर में COVID-19 सेकेंड डोज टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक कार्यक्रम में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज देना होगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारी हर संभव प्रयास करें। 44 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव प्रभात फेरी के साथ आज संपन्न हो गया।
जिला जज एवं अन्य न्यायाधीशों ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी रथ को रवाना किया। चंपारण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां 44 दिनों से चलने वाले विधि जागरूकता अभियान की समाप्ति बाल दिवस के अवसर पर रविवार को प्रभात फेरी के साथ कर दी गई। मोतिहारी शहर के हिंदी बाजार स्थित धर्म आध्यात्म और आस्था का केंद्र श्री श्याम सहयोग समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव के दूसरे दिन मंदिर परिसर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इधर मोतिहारी में रोटरी क्लब मोतिहारी के तत्वाधान में रविवार को वर्ल्ड डायबिटीज डे का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन था, जहां लोगों की अच्छी खासी भागीदारी देखी गई। मतदान कार्यों में खलल पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है, जिसको लेकर बूथों का आज जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर की पुलिस एक्शन में दिख रही है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और कारोबारियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी तेज कर दी गई है। काफी हद तक तस्करों पर भी नकेल कसता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर जिला भर में अब तक सैकड़ों तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गायघाट पुलिस ने भी आज इस मामले में कार्रवाई की है। उधर पियर थाने के अंतर्गत हाथा ओपी की पुलिस ने भी छापेमारी का अभियान चलाया है। आपको बता दें कि इस दौरान कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कई लीटर शराब भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गायघाट थाने के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई, जिस दौरान गायघाट की पुलिस को सफलता मिली। उधर हाथा ओपी की पुलिस भी लगातार सख्ती का अभियान चला रही है। इलाके में तारी दारू के खिलाफ लगातार सख्ती का अभियान चलाया जा रहा है। तोड़ो फोड़ो अभियान भी शुरू की गई है। जमुई के उमेश ने 2 दिनों में पटना में 71 बाल बारी केंद्र का शुभारंभ किया और गरीबों को शिक्षा का सौगात दे रहा है। स्कूल से वंचित अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के सचिव उमेश शर्मा शिक्षा की अलख जगाने में जुटे हैं। सोनो प्रखंड के मूल निवासी उमेश शर्मा जमुई जिले के साथ ही पूरे बिहार में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा का सौगात देने में जुटे हैं और इसका अभियान चला रहे हैं।